अतिथि शिक्षकों की मांग जल्द की जाए नियमितीकरण। पृथ्वीपुर सहित समूचे प्रदेश में अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश ने मीडिया के माध्यम से 3 सूत्री मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की अपील की है। संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सबिता ने मीडिया को बताया कि अतिथि शिक्षक पिछले 14 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में अल्प मानदेय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। कई वर्षों से भाजपा सरकार अनेक मंचों से अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात कह चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं की गई। अतः मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण कराते हुए निवेदन किया है कि हमारी निम्न 3 मुख्य मांगों को पूर्ण किया जाए। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जाए। अतिथि शिक्षकों को 12 माह का मानदेय एवं 62 वर्ष की आयु तक सेवा काल दिया जाए। नियमित शिक्षण भर्ती के कारण बाहर किए जा रहे अतिथि शिक्षकों को पद वृद्धि करते हुए समायोजित किया जाए, उन्हें बाहर न निकाला जाए। टीम भारती न्यूज। सारे अतिथि शिक्षक यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किस कारण आप लोग यहाँ पे, क्या मांग है आप लोगों का? हाँ सर जी, आप लोगों का धन्यवाद। मैं अतिथि शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सविता आज मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से, मध्य प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्षों से मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अत्यंत अल्प मानदेय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, परंतु आज दिनांक तक उनके नियमितीकरण के संबंध में कोई भी ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, विधायक एवं मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार नहीं कई बार मंचों से हम लोगों के लिए कहा है कि नियमित किया जाएगा, परंतु आज हम लोग दयनीय, अत्यंत दयनीय स्थिति में हैं। हमारे बच्चे, हमारा परिवार घर चलाने में असक्षम है। इसके बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जब पृथ्वी पर आए थे तब अतिथि शिक्षकों ने उनको रोका था और उन्होंने कहा था, आप चिंता ना करें अतिथि शिक्षक, मैं आपकी ढाल भी बनूंगा और तलवार भी बनूंगा। लेकिन आज वर्तमान समय में वह मंत्री पद पा रहे हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों की कोई सुनने वाला नहीं है। उनने अतिथि शिक्षकों को सड़क पर छोड़ दिया है और वादा किया था कि हम आपके साथ होंगे। हमारी शासन से मुख्य 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारी ये है कि जो अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं उनको बिना शर्त नियुक्ति दी जाए। दूसरी हमारी मांग है, अन्य राज्यों की तरह 12 माह की वेतन एवं 62 वर्ष आयु का सेवा काल दिया जाए। हमारी तीसरी मांग है, जो शिक्षा नीति अभी वर्तमान में है उससे नए शिक्षक भर्ती हो रहे हैं, जिस कारण से अतिथि शिक्षकों को बाहर निकाला जा रहा है। मेरी शासन से ये मांग है कि जिस तरह से अतिथि विद्वान कॉलेजों में निकाले गए थे, उनके लिए अलग से पद सृजित किए गए थे, उसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों के लिए भी अलग से पद सृजित किए जाए, उनको बेरोजगार ना किया जाए, उनमें समायोजित किया जाए। आज अतिथि शिक्षक बहुत बेरोजगार है, उसे अपने भविष्य की चिंता है। उसने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को 14 वर्ष तक संभाल के रखा है, लेकिन उसके बदले में आज सरकार हम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। जब सरकार के पास कोई भी साधन नहीं था, कोई शिक्षक नहीं थे, तब अतिथि शिक्षकों को उनने सिरमौर बनाया है, लेकिन आज 14 वर्ष के बाद उनको विदा करना एक गलत संदेश जा रहा है, जिससे अतिथि शिक्षकों में आक्रोश है। हम सरकार से मांग करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि हम लोगों को बेरोजगार ना किया जाए, हम लोगों को नियमित रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। Subscribe now to most exciting channel ever.